एक और यहाँ पे बीटीएससी की ओर से रिजल्ट जारी करने की कवायद जो है कि तेज कर दी गई है, और बहुत जल्द ही यहाँ पे जो आयुष चिकित्सक की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन इसके साथ एक दो दिन पहले यहाँ पे प्रभात खबर में ही निकाला गया था कि जेई का रिजल्ट भी इसी माह आपका अप्रैल में यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो दोनों का क्या यहाँ पे माजरा है और किसका रिजल्ट यहाँ पे पहले जारी होगा, इसका भी बात किया जा रहा है कि मध्य या अंत मध्य तक इसका फोल्डर की जांच होगा जो आयुष चिकित्सक का है, और लास्ट लास्ट तक इसका रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आयुष चिकित्सकों का रिजल्ट अप्रैल के अंत तक, और उसको जेई की बात की गई थी अप्रैल माह में ही आपका रिजल्ट आएगा। तो देखिए दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन सा रिजल्ट पहले आने की संभावनाएं हैं और किसका रिजल्ट लगभग तैयार है। तो यहाँ पे आयुष चिकित्सक की बात करें तो अप्रैल अंत तक यहाँ पे रिजल्ट आने की बात कही गई है। इसकी फोल्डर की जांच शुरू कर दी गई है और काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों को जांच की जा रही है, और अगले माह के मध्य तक इसके प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो जाने की संभावना है। देन एक बार और इसको रीचेक किया जाएगा, फिर आपका यहाँ पे रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। तो ऐसे में जो जेई का रिजल्ट है, जेई का रिजल्ट सभी लगभग प्रमाण पत्र जो है कि पहले ही तैयार हो चुका था, और जो कार्य अनुभव वाले जो प्रमाण पत्र हैं उसको जैसे ही काउंसलिंग कंडक्ट हुई उसके साथ ही वहाँ पे तैयार उसको जांच और तैयार एक साथ ही लगभग किया गया। थोड़ा बहुत काम है तो उसका जो है कि बहुत जल्दी उसको तैयार करके आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो दोनों ये बात सही है कि अप्रैल में ही रिजल्ट आएगा, लेकिन जेई का पहले आएगा, उससे पहले आयुष चिकित्सक की जो बात हो रही है लास्ट तक, तो लास्ट तक यहाँ पे नहीं जाएगा, बहुत जल्दी यहाँ पर रिजल्ट आने जा रहा है। तो जेई का बहुत जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा और इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका जो है कि अलग से जेई के लिए आपने देखा कि अलग से इसके जो है कि जो भी पदाधिकारी कन है उसको यहाँ पे नियुक्त किया गया था, ताकि बहुत से जल्द इसको कार्य को निपटा कर और जल्द से जल्द इसका जेई का रिजल्ट को प्रकाशित किया जा सके। बीटीएससी जो सचिव है उनका यही जो सोच है कि जेई का जो प्रथम बहाली है बीटीएससी का, तो 1/2019 का जो प्रथम बहाली है इसको बहुत जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तो अब जो रिजल्ट आएगा जेई का ही रिजल्ट आएगा, आप लोग जल्द वेट करें, और कटअप जो है कि काफ़ी लो ही रहेगा, बढ़ने की बहुत कम ही संभावना है। भले ही एक्सपीरियंस वाले थोड़े बहुत बढ़े हैं, लेकिन कटअप में माइनर सा यहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट दूंगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।